अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेम स्टोन डील चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ पत्थरों की कीमत पाकिस्तान में क्या है और दूसरे ममालिक में क्या है। तो अगर आप अच्छा ज़र्रे मुबादला कमाना चाहते हों, अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हों, तो आपको कौन से पत्थर पाकिस्तान से ख़रीदने चाहिए और कौन से पत्थर बैरून मुल्क जा के बेचने चाहिए, तो इससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, एक पत्थर यहाँ पे फिरोज़ा करके बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टर्क्वाइज बोलते हैं। ये पत्थर भी इंतहाई खूबसूरत रनिंग आइटम है, मार्केट में हमेशा चलता रहता है, स्टैगनेंट स्टोन नहीं है ये, एक जगह पे रखना नहीं पड़ता और ज़्यादा लॉन्ग टाइम आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। तो ये बेसिकली ईरानियन पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर इसकी माइंस हैं, काफ़ी सारी मटेरियल हैं, काफ़ी सारी इसकी कैटेगरीज हैं, जो कि ईरान से निकलता है, फिर अमेरिका एरिजोना से निकलता है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज से निकलता है, काफ़ी सारी जगहों से ये आता है। और मार्केट के अंदर जो लोग कारोबारी हैं, उनको पता है ऑलरेडी कि ये मार्केट के अंदर काफ़ी सारा स्टोन जाली भी आ रहा है, जिसका हूब हू कंपोजिशन भी वही है, हूब हू कलर भी वही है, और उसके अंदर जो थोड़ी बहुत जड़ें होती हैं वो भी एज इट इज़ जस्ट लाइक रियल स्टोन। और ये जब भी आप इसको ख़रीदें, बिजनेसमैन ही जो बिजनेसमैन है उनको तो ज़ाहिर बात है पता, कारीगरी लोगों को वो समझते हैं इस चीज़ को, जो लोग नए कारोबारी हैं उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, उनको पहचानने में प्रॉब्लम होता है। तो जब भी ख़रीदें आप, एक तो सबसे पहले ये कन्फर्म कर लें कि जो आप ख़रीदारी कर रहे हैं वो नेचुरल ही है, वो असली स्टोन ही है। अगर असली है तो फिर तो ठीक है, अगर असली नहीं है तो उसकी प्रचार करना बहुत ज़रूरी है इसी स्टेज के ऊपर, बिफोर गोइंग टू पे। और नेक्स्ट ये है कि जब ये पत्थर आप ख़रीद लेते हैं तो आपको किस प्राइस में ख़रीदना चाहिए। एक तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए पाकिस्तान में ख़रीदना चाहते हैं, कोई एक इंडिविजुअल आप कहते हैं कि मैंने ये पत्थर अपने इस्तेमाल के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदना है, तो आपको कितने में मिलेगा पाकिस्तान से। और अगर आप इसको कमर्शलाइज़ करना चाहते हैं और इसको बेचना चाहते हैं और इसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप कि जो ख़रीदारी होगी उसकी प्राइस बिल्कुल डिफरेंट होगी। और जब आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए प्राइस बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो दोस्तों, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो ये आपको तकरीबन, यानी जड़ वाला जो ब्लैकिश लाइनें आती हैं ऊपर भी आती हैं, स्टोन के अंदर भी होती हैं वो वाला, और बिल्कुल साफ और ब्लू कलर आसमानी कलर के साथ, जितना कलर इंटेंसिफाई करता जाएगा उसकी कीमत ज़्यादा होती जाएगी, हल्का कलर होगा तो कीमत कम होगी। इसी तरह से एक क्वालिटी ये भी आती है कि उसके अंदर वाइट स्पॉट भी आ जाते हैं, ब्लूज के अंदर वाइट स्पॉट भी आ जाते हैं, तो इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, ये भी कम कीमत पत्थर है। इसी तरह से फिर इसके अंदर एक ख़ास किस्म के पैटर्न आ जाते हैं, पाइराइट आ जाता है गोल्डन कलर में, सिल्वर कलर में। तो पाइराइट के साथ जो आइडियल किस्म के पाइराइट्स हैं उसके अंदर बड़े अच्छे पैटर्न्स बनते हैं, वो थोड़ा महंगा है। तो जब भी आप ख़रीदें तो जो आपने पहनने के लिए आप ख़रीदना चाहते हैं उसका तो मैं आपको बता देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने 200 रुपए से लेके तकरीबन 400 रुपए तक बड़ा अच्छा स्टोन आपको पाकिस्तान से मिल जाता है जो आप पहनना चाहते हैं। और अगर आप इसके कारोबारी हैं और कारोबार करना चाहते हैं और बैरून मुल्क इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसे अच्छा ज़रिया मुबादला, अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको मार्केट के अंदर ज़रिया बात है आप ह्यूज क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, उस वक्त आप किलोज में ख़रीदते हैं, और कैरेट्स में भी हो तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार कैरेट आपको चाहिए होता है। तो इस तरह की क्वान्टिटीज़ जब आप ख़रीदते हैं तो आपको तकरीबन ये अच्छी फाइनेस्ट क्वालिटी जो एक्सपोर्टेबल है, जिसको लोग लाइक करेंगे बाहर आप लेके जाएंगे, तो वो क्वालिटी आपको $2-3 के अंदर अंदर पर कैरेट मिल जाता है। और जैसा कि अमेरिका की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो अमेरिका में एरिजोना का भी बहुत पॉपुलर है और फिर ब्राज़ील का भी बहुत पॉपुलर है स्टोन, लेकिन ईरान का जो पत्थर है इसकी अलहदा से एक लुक है, अलहदा से एक खूबसूरती है और अलहदा से एक प्राइसिस है। तो यहाँ से अगर आप उधर लेके जा सकते हैं पत्थर, आप वहाँ ट्रैवल करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, रशिया में, तो आप अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं, 100% तो प्रॉफिट कहीं नहीं जाता आपका। तो अब चीज़ ये होती है कि आप कौन सी कैटेगरी लेके जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कैटेगरी कौन सी चलती है, ये आपको सर्वे पहले से करना है।
और इसके मतलब जब आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ, व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। सेल परचेज में कोई आपको प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और हम आपको बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन प्राइस के साथ, बेहतरीन 100% गारंटी के साथ रियल पत्थर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस इंफॉर्मेशन से, इस तरह की मालूमात से अच्छा फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे, और आपके लिए इन द फ्यूचर आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकेगा। तो दोस्तों, मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।